लिफ्ट तो मिला नहीं चामराज नगर के लिए, लेकिन यहाँ पर ये पुरानी सी हवेली है ये, तो यहीं पर रात को स्टे करने के लिए देख रहे हैं। बहुत ही डरावना है यार, पता नहीं कितने सालों से लोग नहीं आए होंगे यहाँ पर। यहाँ पर तो दोस्तों कर्नाटक से अब हम निकल रहे हैं तमिलनाडु की ओर। तो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, विश्व गो के चैनल में आपका फिर से स्वागत है। जो लोग मेरे चैनल में नए हो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सके। बाकी आज हम निकलने वाले हैं कर्नाटक से तमिलनाडु की ओर, तो कम से कम 200 से 250 किलोमीटर का सफ़र है जो हम बाई फिट और हिचाइकिंग लिफ्ट ले लेके करने वाले हैं। हम 3 लोग हैं, बाकी बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। तो सब पार्किंग से निकल चुके हैं और अब हम आ चुके हैं यहाँ महिषासुर चौक में। तो यहाँ पर महिषासुर का बहुत बड़ा स्टैचू बना हुआ है, तो वो दिखा रहा हूँ। तो क्योंकि हम यहाँ पर आए हैं तो ये दिखाना तो बनता है आप लोगों को। ये है महिषासुर की स्टैचू और यहाँ पर बहुत सारी स्कूल के बच्चे भी है। ये तो जो ये मेरे पीछे आप देख रहे हो ये महिषासुर का बहुत बड़ा स्टैचू बना हुआ है। तो यहाँ पर बच्चे वगैरह मतलब बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं यार, यहाँ पर बहुत देखा हम लोगों ने यहाँ पर। तो दोस्तों इधर आ गया, ये हमारा भंडारा कक्ष मिल गया हमें, तो ये खाना खा के हम निकलते हैं। तो यहाँ से लाइन हम यहीं से निकलते हैं यार, लाइन में बैठते हैं। तो यहाँ पर हम लाइन से निकलेंगे, भंडारा खाने के बाद हमें निकलना है यहाँ से, क्योंकि बारिश बहुत ही ज़्यादा हो रही है। बारिश की वजह से जो हीच हाइकिंग वगैरह है वो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अभी कम से कम देखते और 40 किलोमीटर का रखा है। कल भी मतलब एक टारगेट रखा था वो पूरा कर लिया, और आज भी एक टारगेट है 40 किलोमीटर का, तो देखते हैं अभी क्या होता है। तो दोस्तों ये उतर चुके हैं और हम सब लोग बैग के साथ ही अंदर घुस रहे हैं। तो ये देखो, तो हम लोग बैग के साथ ही घुस रहे हैं भंडारे के कक्ष में। तो ये है, निकल रहे हैं हम भी, जल्दी जल्दी खा के निकलना है हम लोगों को। तो दोस्तों यहाँ भंडारे में बैठ चुके हैं हम, और ये हाथ धोने के लिए जा रहा है वो वहाँ पर बैठा हुआ है, और इतना भंडारा लग रहा है। बहुत सारे स्कूल के बच्चे लोग पिकनिक के लिए, वाह साउथ की बहुत अच्छी बात है कि मतलब वो पिकनिक के लिए एक धार्मिक स्थल, मतलब साउथ का मतलब एक ऐसा चीज़ देखने को मिला, मतलब यहाँ पर लोगों ने अपने धर्म को नहीं भूला है, अपने सनातन धर्म को नहीं भूला, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। बाकी देखो हम बैठे फिर निकलना हमें। तो दोस्तों यहाँ पर तो हम निकल चुके हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने बच्चों को देखा था, उनके साथ फ़ोटो वगैरह लेना था, लेकिन पता नहीं फ़ोटो वगैरह मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें हैं बच्चों को ना प्रॉपर हिंदुज़म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में ये लोग टूर लेके जाते हैं, यहाँ पर टूर लेके जाते हैं, और हिस्टोरिकल मतलब जो बेसिस है सनातन के जो बेसिस है उस प्लेसेस में। तो उन लोगों का 3 डेज और कई लोगों का 5 डेज का टूर था, तो मैं चाहता था कि उनके साथ भी फोटो खींचा, पता नहीं वो सर लोग कहाँ हैं। तो देखते हैं अभी आगे मिलेंगे तो। यार फोटो तो ले नहीं पाया, हम बच्चे लोग निकल गए, अभी मैंने दुकान वाले से पूछा, उनका बस निकल गया कह रहे। अब देखते दूसरे ग्रुप अगर कोई मिला तो उनके साथ ले लेंगे। बाकी 2 लोगों को मैंने वहीं भंडारे पे छोड़ दिया है, वो आ रहे होंगे, खा रहे थे वो, तो मैंने जल्दी जल्दी खा के मैं निकल गया कि मुझे क्योंकि लेना था उनके साथ, थोड़ा बात वगैरह करना था। तो अब देखते हैं वहाँ पर मिलता है नहीं मिलता है। तो दोस्तों फाइनली हमें लिफ्ट मिल चुका है, भैया लोगों ने हमें लिफ्ट दे दिया है, अभी हम यहाँ से वो ड्रॉप कर देंगे रास्ते में। तो फाइनली सो हमें लिफ्ट मिल चुका है, तो अभी बहुत लंबा। सो फाइनली गाइस बैंगलोर, भैया लोग बैंगलोर से हैं, तो हमें भैया लोगों ने लिफ्ट दे दिया, तो वहाँ पर ड्रॉप कर देंगे भैया लोग। सो थैंक यू ब्रदर्स आप लोगों का, फाइनली। तो दोस्तों रुके हुए हैं अभी हम, तो अभी 1.5 घंटे हो चुके हैं लिफ्ट मांगते मांगते, किसी ने दिया नहीं है। तो ये एक बंदा यहाँ से हाथ दिखा रहा है, एक बंदा यहाँ से,
और एक बंदा यहाँ, मतलब गांधी जी के तीन बंदा है यहाँ पर। तो भाई साहब दो तीन घंटे हो चुके हैं, हमें लिफ्ट मिली नहीं है, तो कोयम्बटूर पता नहीं कैसे पहुँचेंगे यार, कुछ भरोसा नहीं है। तो फिर भी हम देखते हैं लिफ्ट देखने का, तो लिफ्ट मिलता है नहीं मिलता है। तो भाई साहब वो पुलिस वाले की गाड़ी थी, वो कह रहे भयंकर हम यहीं तक ही जा रहे, तो देखते हैं अभी और कितना टाइम लगेगा। फाइनली गाइस यहाँ पर भैया ने हमें लिफ्ट दे दिया है, तीन घंटे इंतजार करने के बाद भैया नंदन गुड़ तक जा रहे, तो वहाँ तक भी पहुँच जाएंगे। तो चामनगर, फिर उसके बाद चामनगर में चामराज नगर, उसके बाद सीधे हम निकल रहे हैं कोयम्बटूर। तो ये देखो फाइनली ट्रक में लिफ्ट मिल गया यार, भयंकर मेहनत का फल मिलता है भाई। तो फाइनली दोस्तों यहाँ नंदन गुड़ भैया ने उतार दिया है, अब हम चामराज नगर के लिए निकल रहे, वो भी लिफ्ट लेते लेते देखते। तो यहाँ पर भैया ने रोक दिया है चामनगर, तो भैया ने रोक दिया है, ये रोक दिया है भैया चामनगर, चामराज नगर थोड़ा सा आगे, अरे यहीं पर, ओके थैंक यू। तो ये इतनी दूर तक जा नहीं रहे, यहीं पर जा रहे हैं। दोस्तों हम लोगों को लिफ्ट तो मिला नहीं चामराज नगर के लिए, लेकिन यहाँ पर ये पुरानी सी हवेली है ये, तो यहीं पर रात को स्टे करने के लिए देख रहे हैं, देखते हैं फिर, क्योंकि खाना वगैरह भी बनाना है, इसी हवेली में रुकते हैं। अब क्या करें, रुकना ही पड़ेगा। तो दोस्तों रात को हम इस खंडहर में रुके हैं, तो इस तरीके से अभी हमारा खाना बन रहा है यहीं पर, हमने यहाँ पर राजवीर बैठा हुआ है और यहाँ पर अभिजीत, तो ये पूरा खंडहर है हमारा। तो अभी खाना मैं ही बना रहा हूँ, खिचड़ी बना रहा हूँ, बाकी खाना खाने के बाद हम यहीं पर टेंट लगाएंगे और यही पे सोना है, बस यहीं पर सोना है, फिर सुबह चेकिंग करते हुए फिर निकल जाना है। स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों थोड़ा सा हवेली दिखाता हूँ आपको, ये हमारा खाना वगैरह यहाँ पर बना लिया हमने, तो ये देखो पूरा खंडहर है, पूरा का पूरा खंडहर है। तो दोस्तों इस तरीके का हवेली है, देख सकते हो आप, तो यहाँ पर पूरा का पूरा एरिया सुनसान पड़ा हुआ था, ये टेंट लगा लिया, ये राजवीर है, खाना वगैरह, इसे भी जुखाम लग रखा है अभिजीत, और ये हमारा टेंट लग चुका है, सामान वगैरह थोड़ा सा इधर से भी दिखाता आपको कि किस तरीके का है। तो भाई बहुत ही डरावना है यार, पता नहीं कितने सालों से लोग नहीं आए होंगे यहाँ पर, यहाँ पर देख सकते हो आप, तो ये पता नहीं कब से यहाँ लोग नहीं आए होंगे भाई, ये क्या करें, मजबूरी थी हमारी, रास्ते में सामने हाईवे है तो रुकने के लिए कोई जगह नहीं थी, खाने बनाने के लिए कोई जगह नहीं था, तो बस हमने सोचा कि भाई ये मुझे दिखा कि ये खंडर पड़ा हुआ, अब इसी में रुकना है। बाकी ये बन रहा है, हो गया हमारा खाना भी रेडी, अब खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद सीधे सो जाना है, तब तक अब सीधे सुबह मिलते हैं। दोस्तों सुबह हो चुकी है और जिस खंडर में हम रुके हुए थे, थोड़ा आप देखो दिखाता हूँ, तो अंदर का था कुछ इस तरीके का नज़ारा है, तो ये टेंट लगाया हुआ था हमने यहीं पर, तो ये हमने रात को यहीं पर खाना मंगाया था, तो बारिश बहुत ही ज़्यादा रात को हुई, तो अभी भी होती है, तो ये है देख सकते हो, पता नहीं कब से लोग नहीं आए होंगे यार यहाँ से, देखो। तो यहीं पर रुके हुए थे हम रात को, तो यहाँ पर कुछ शेड वगैरह बना हुआ है, कुछ है यहाँ पर, तो कुछ पता नहीं चल रहा था कि कहाँ रुकना है क्या रुकना है, तो इसी खंडहर में रुक गए। दूर से दिखाओ इतना डरावना है ये, देखो भयंकर, रात को तो और भी डरावना लग रहा है ना। तो बाकी अभी टेंट वगैरह पैक करना है, निकलना है हमने, क्योंकि बारिश में इंतजार करते रहेंगे तो यहीं पर फंसे रहेंगे, अभी बहुत दूर जाना है हमें, तो तब तक स्टे ट्यून्ड।
तो दोस्तों बस पैकिंग वगैरह हो चुका है और इस खंडर से निकलना है क्योंकि रात पूरा यहीं से गुजार लिया था। बाकी 175 किलोमीटर की दूरी है कोयम्बटूर, यहाँ से हिचहाइकिंग करते हुए लिफ्ट लेते हुए निकलना है हमें। तब तक स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों हम लोग इसी खंडर में रुके हुए थे, तो आप देख सकते हो रात को बहुत ही डरावना दिख रहा था। तो दोस्तों ये व्लॉग यहीं पर एंड होता है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाकी अभी हम निकल रहे हैं, अभी 200 किलोमीटर हम पैदल चलने वाले हैं। बाकी वो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। लाइक भी दे दो, सब्सक्राइब दे दो और लास्ट में कमेंट भी दे दो, ताकि भाई के साथ साथ आप भी आगे बढ़ सको। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी, टाटा गुड बाय।